गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने प्ले स्टोर को यूज कर सकते हैं, साथ में अपने एप्लीकेशन और व्हाट्सएप को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बहुत इजी स्टेप है, काफी लोग जानते भी हैं। जो लोग जानते हैं वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं तो आप प्लीज वीडियो में बने रहिए, ए टू जेड जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। प्ले स्टोर आपको यहाँ पर हर फोन में देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह से होता है। और गाइस प्ले स्टोर से सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे जो भी एप्लीकेशन हो। एंड्रॉइड में सभी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में ही मिल जाते हैं। काफी सारे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं वह प्ले स्टोर पर नहीं मिलते, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार ये कहा गया है कि जो भी प्राइवेसी को फॉलो करेंगे वही प्ले स्टोर पर रहने दिया जाएगा, जो प्राइवेसी और रेगुलेशन को नहीं फॉलो करेंगे उनको प्ले स्टोर पे नहीं लाया जाएगा। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंटेड होते हैं वो सभी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे और आपको इजिली यहाँ से डाउनलोड करने का भी एक्सेस मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। काफी लोग का प्ले स्टोर अपडेट नहीं होता है और काफी लोग का प्ले स्टोर पर एप्स ऑप्शन नहीं ओपन होते हैं क्योंकि जीमेल आईडी नहीं बना होता है। तो आपको प्ले स्टोर में आना है, जीमेल आईडी को क्रिएट करके आना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है, गॉट इट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च बार का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको नीचे एप्स, गेम, ऑफर और बुक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप एप्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एप्स पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप गेमिंग एप्लीकेशन को लाना चाहते हैं तो आपको गेम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सभी जितने भी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, सभी गेमिंग एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। एप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको कोई भी एप्लीकेशन हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए नीचे शो भी हो रहा है फेसबुक और यहाँ पर व्हाट्सएप। अगर आपको इसमें शो नहीं हो रहा है तो आपका सर्च बार का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप वॉइस टैग भी कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं। आप जो भी वॉइस करेंगे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ओपन होकर मिलेगा। साथ में अगर आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे कीबोर्ड का ऑप्शन है, व्हाट्सएप लिखना हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप लिख दीजिए, ऑटोमेटिक क्या होगा व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ, तो गाइज यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप एप्लीकेशन आ गया, व्हाट्सएप मैसेंजर का। यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं इजी में। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या करना है, आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही सेकेंडों में, अभी पेंडिंग बता रहा है। जैसे यहाँ पर एक्सेप्ट होगा टर्म एंड कंडीशन, ऑटोमेटिक यहाँ पर इंस्टॉल होने का एक बार स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक ओपन का ऑप्शन नहीं पॉपअप होगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप मैसेंजर डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पर डायरेक्टली ओपन करके ऐप को यूज कर सकते हैं और साथ में जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशन दिख रहे हैं आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं सभी। तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा या हमारे किसी भी अकाउंट पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे FB हो, चाहे टेलीग्राम हो, हर जगह मैं एक्टिव रहता हूँ, हर जगह आप मैसेज करके वहां से कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर ले सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें जिससे सभी की हेल्प हो सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई तस्वीर में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।